नमस्कार, एकेएम इलेक्ट्रिकल एचवीएसी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक पर हम लोग पैकेज एसी का कंट्रोल वायरिंग, यानी कि ये जो कंट्रोल वायरिंग है, ये इसमें डबल कंप्रेसर है, यानी कि डबल कंप्रेसर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सिंगल कंप्रेसर के बारे में जाने थे कि सिंगल कंप्रेसर मतलब कैसे काम करता है। अगर जो इस वीडियो को नहीं देखे हैं, जो सिंगल कंप्रेसर का कंट्रोल वायरिंग नहीं देखे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, उस चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये जो है डबल कंप्रेसर, इसमें जो है कंप्रेसर वन और कंप्रेसर टू, यानी कि यहाँ पर कंप्रेसर वन और कंप्रेसर टू, इसमें दो कंप्रेसर है। तो दो कंप्रेसर का कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो दो कंप्रेसर को कंट्रोलिंग करने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा कौन कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये हम लोग जानेंगे कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। देखिए, हमारा जो भी वीडियो है, सिंबल में अलग अलग प्रकार का, हर प्रकार का सिंबल जैसा कि आपको डायग्राम में मिलता है, अब उसी डायग्राम के अनुसार ये हमारा सिंबल बनता है और सिंबल के अनुसार ही हम वीडियो को बताते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर 415 वोल्ट फेस, ठीक है ना, और यहाँ पर भी 415 वोल्ट फेस, यानी कि दो फेस, यहाँ पर 415 वोल्ट फेस जा रहा है किसके लिए, तो ट्रांसफार्मर के लिए। अगर ऐसा सिंबल होता है तो समझिए कि ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया, तो ट्रांसफार्मर से इस साइड ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, ये भी फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज है और ये भी फ्यूज है। ये फ्यूज एचआरसी फ्यूज होता है, ठीक है ना, एचआरसी फ्यूज। एचआरसी फ्यूज किसको बोलते हैं, यानी कि हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी को एचआरसी फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, और इस साइड जो आप ये फ्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर ये भी फ्यूज है और यहाँ पर ये भी फ्यूज है, यानी कि इस फ्यूज को कंट्रोल फ्यूज बोलते हैं, या इस फ्यूज को ग्लास फ्यूज, जो कि शीशे में छोटा सा पैक रहता है, ठीक है, उसको ग्लास फ्यूज, जो कि 3.5 यानी कि 3.5 वोल्ट का होता है। ठीक है, ये कंट्रोलिंग हमारे इस ट्रांसफार्मर से क्या हो रहा है कि 415 वोल्ट इन हो रहा है, लेकिन आउट में 24 वोल्ट हो रहा है, 24 वोल्ट एसी। ठीक है, तो 24 वोल्ट एसी इधर से जितना भी ये कंट्रोलिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हैं, ये टोटल का कंट्रोल 24 वोल्ट से हो रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कॉन्टेक्टर लगा है, तो कॉन्टेक्टर जो है 24 वोल्ट का भी होता है, ठीक है, 110 का भी होता है, 220 का भी होता है। ये ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्टेक्टर कितने वोल्ट का है, सप्लाई उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लगा हुआ है ये थर्मोस्टेट, ठीक है, ये थर्मोस्टेट है, ठीक है, ये थर्मोस्टेट है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या है कि टेम्परेचर को सेंस करना, ठीक है, टेम्परेचर को सेंस करता है, यानी कि रूम के आप में कितना रूम में आपको टेम्परेचर रखना है उसके अनुसार से उसको सेंस करता है, और सेंस करने के बाद से सिस्टम को ऑन करता है कि हमको कितना कूलिंग चाहिए, इसके लिए थर्मोस्टेट लगाया जाता है, उसका कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट भी कई टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है डिजिटल, एक होता है एनालॉग। तो पुराने जमाने में जो है एनालॉग लगता था, लेकिन मॉडर्न में डिजिटल, ठीक है, मॉडर्न में डिजिटल चल रहा है, यानी कि जहां भी आप देखिएगा तो डिजिटल थर्मोस्टेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्मोस्टेट हो गया। अब थर्मोस्टेट के बाद यहाँ पर सिंगल फेज प्रोमीटर का एनओ, यानी कि सिंगल फेज प्रोमीटर वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, सिंगल फेज प्रोमीटर को ही बोलते हैं। सिंगल फेज प्रोमीटर क्या करता है, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, फेज सिक्वेंस पूरा ये डिटेक्ट करता है, यानी कि उसको जांच करता है। जांच करने के बाद अच्छी तरीके से उसको डिटेक्ट जब कर लेगा, डिटेक्ट करने के बाद से ये सप्लाई आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो सप्लाई आगे बढ़ाता है, तो ये जो है एनओ जो है यहाँ पर एनसी बन जाएगा, यानी कि सप्लाई आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो सप्लाई जो है अपना आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो थर्मोस्टेट जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये थर्मोस्टेट रूम में फिक्स रहता है, रूम में। यहाँ पर छोटा छोटा सा टर्मिनल जो मशीन में लगा के, ये टोटल वायर कहाँ कहाँ जाता है, रूम में।
ठीक है, क्योंकि चूंकि ये जो थर्मोस्टेट है रूम में फिक्स रहता है, अब बाकी यहाँ का टोटल चीज आपको पैकेज के आपको जो पैनल रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा। ये टोटल चीज यानी कि यहाँ पर रिले लगा हुआ है, ठीक है, ये रिले लगा हुआ है, तो कितना रिले है, तो 1, 2, 3 यानी कि 3 रिले लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 रिले लगा हुआ है। उसके बाद से कॉन्टेक्टर देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 कॉन्टेक्टर का क्वाइल, यानी कि 4 को कॉन्टेक्टर इसमें लगा हुआ है, 4 कॉन्टेक्टर इसमें हम यूज कर रहे हैं। और देखिए पहला जो है ब्लोअर मोटर का है, ठीक है, दूसरा जो है कंप्रेसर 1 के लिए है यानी कि 1 गो कंप्रेसर है, तीसरा जो है हमारा 2 कंप्रेसर है, ठीक है, चौथा कंडेंसर फैन मोटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 कॉन्टेक्टर का सप्लाई हम लोग दे रहे हैं। और कैसे इसका कंट्रोलिंग हो रहा है ये आप देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि थर्मो स्टेट में सप्लाई जाता है, इधर से जा रहा है, ऊपर से फेस आ रहा है आर के पास और सी के पास, यानी कि कॉमन जो है हमारा सप्लाई थर्मो स्टेट ऑन करने के लिए होता है, ठीक है। तो थर्मो स्टेट जब ऑन हो जाएगा तो इसमें जो है दिखाने लगेगा रूम का टेम्परेचर कितना है, आपको उसमें सेटिंग करना है। तो आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, मतलब जितना आप कंफर्ट हो सकते हैं उसके हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं, उसी के हिसाब से ये टेम्परेचर जो है मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अब देखिए जब आप अपने रूम में टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री सेट कर लिए, 20 डिग्री आप रूम में टेम्परेचर सेट कर लिए, तो 20 डिग्री आप टेम्परेचर जो है सेट करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या स्टार्ट होगा, यानी कि जी का यहाँ पर रिले स्टार्ट होगा, यहाँ पर जी को सप्लाई देगा थर्मो स्टेट, और यहाँ पर रिले 1 स्टार्ट होगा। तो रिले 1 को स्टार्टिंग करते पीरियड मैंने उसी टाइम हमारा यहाँ पर जो है रिले 1 स्टार्टिंग होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर रिले 1 का यहाँ पर एनो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा रिले 1 सप्लाई देगा रिले 1 के एनो को, तो ये एनसी बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सप्लाई आगे बढ़ाएगा। तो ये ओवरलोड रिले है, यहाँ पर ओवरलोड रिले का ये सिंबल बनाया हुआ है, ये ओवरलोड रिले है। ओवरलोड रिले से हमारा कॉन्टेक्टर क्वाइल यहाँ पर सप्लाई मिलेगा फेस, ब्लू कलर से दे रहे हैं वो न्यूट्रल, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ब्लोअर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या, तो ब्लोअर, ध्यान में रखना है इंटरव्यू में क्वेश्चन सेटिंग किया जाता है, यानी कि पूछा जाता है कि क्या स्टार्ट होता है, तो ब्लोअर स्टार्ट होता है, लेकिन कब, जब आप ऑन पीरियड में रखिएगा तब, ऑटो में रखिएगा तो नहीं, ठीक है ना, क्योंकि थर्मो स्टेट में सेटिंग किया जाता है कि हमारा ब्लोअर जो है ऑटो में रहेगा या ऑन में रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमारा सबसे पहले ब्लोअर स्टार्ट होगा, ठीक है, तो ब्लोअर मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लोअर हमारा स्टार्ट हो गया, तो ब्लोअर स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, हो सकता है रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ भी जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो है जस्ट क्या होगा, कंप्रेसर यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए हमारा वाई वन पर सप्लाई है और वाई टू का सेकेंड नंबर कंप्रेसर, यानी कि एक कंप्रेसर जो है हमारा वाई वन और दूसरा कंप्रेसर वाई टू, ठीक है। इसके लिए तो जब कमांड देगा कि रूम में कूलिंग करना है तो हमारा रिले 2 स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है, यानी कि ब्लोअर यहाँ पर स्टार्ट रहेगा, ठीक है, इसका, ठीक है, कॉन्टेक्टर का इनू यहाँ पर जो है हमारा वाई टू कंप्रेसर के पास है, ठीक है ना। ये जो आप लगा हुआ है, ये आप CS1 देख रहे हैं, यानी कि कंट्रोल स्विच, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्विच, आम भाषा में इसे टॉगर स्विच बोलते हैं, आम भाषा में इसको टॉगर स्विच बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, कंट्रोल स्विच को ऐसे जनरल में टॉगर स्विच बोला जाता है, ठीक है। ये अगर आप वर्किंग किए हैं या नहीं भी किए हैं तो ये बात को आप ध्यान में जरूर रखना है कि उसको टॉगर स्विच बोला जाता है, जिसको कंट्रोल स्विच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई यहाँ पर एनो है तो ये भी एनसी हो जाएगा, ठीक है, टॉगर स्विच को आप कंट्रोल करेंगे, यानी कि मैनुअली इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ये जो है हमारा कॉन्टेक्टर 1 का, चूंकि यहाँ पर ब्लोअर मोटर स्टार्ट है तो यहाँ पर सप्लाई देगा, यहाँ पर ये भी एनओ है, एनसी हो जाएगा, ठीक है। और रिले 2 स्टार्ट रहेगा तो यहाँ पर रिले 2 का एनओ एनसी होगा। अब तब आएगा एलपी स्विच के पास, यानी कि लो प्रेशर स्विच के पास, तो लो प्रेशर स्विच हमेशा एनओ होता है,
ध्यान रखिएगा इसको, लो प्रेशर स्विच हमेशा एनो होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारा जो है सिस्टम ऑन होगा तो ये गैस का जो प्रेशर के हिसाब से अगर लो में रहेगा तभी यहाँ पर एनो रहेगा, यहाँ पर अगर जिंदर में रहता है जिसका जितना मेजरमेंट रहता है गैस कितना चाहिए उसके हिसाब से अपना देख के हमेशा ये एलपी स्विच ये भी एनो रहेगा, यहाँ पर एनसी हो जाएगा, ठीक है। तो एनसी ये हो जाएगा तो उसके बाद से हमारा हाई प्रेशर स्विच के पास आएगा यानी कि एचपी स्विच। तो हाई प्रेशर स्विच हमेशा एनसी रहता है। देखिए एनओ और एनसी, एनओ का मतलब होता है नॉर्मल ओपन और एनसी का मतलब हो गया नॉर्मल क्लोज, ठीक है। उसके बाद से टाइम डिले, मतलब जितना टाइम सेटिंग रहता है यानी कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट जो भी आप सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर एनओ है तो ये भी एनसी बनेगा और सीधा कॉन्टेक्टर यहाँ पर क्वाइल सी टू यानी कि कॉन्टेक्टर क्वाइल टू पर सप्लाई मिलेगा, हमारा एक कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कंप्रेसर जब स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, रूम में ये थर्मोस्टेट चेकिंग करेगा, सेंस करेगा कि रूम का टेम्परेचर कितना है। तो रूम का टेम्परेचर अगर मेंटेन हो जाता है तब तो एक ही कंप्रेसर चलेगा। अगर रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, ठीक है, तब दूसरा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, ठीक है। रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा यानी कि कूलिंग उसको और ज्यादा चाहिए, उसके बाद से दूसरा हमारा जो है कंप्रेसर स्टार्ट होगा। सेम प्रोसीजर वाई टू का भी है यानी कि कंप्रेसर दो का, थर्मो स्टेट में हमेशा, ठीक है, जी का हमारा ब्लोअर रहता है, वाई वन का कंप्रेसर, जिसमें सिंगल रहेगा ना, सिंगल स्टेज का अगर रहता है यानी कि जिसमें सिंगल कंप्रेसर थर्मो स्टेट में सिर्फ वाई रहेगा, और जिसमें डबल रहता है तो वाई वन वाई टू यानी कि दो कंप्रेसर रहेगा तो वाई वन वाई टू, ठीक है ना। तो थर्मो स्टेट पर स्पेशल वीडियो भी बना हुआ है। आगे सेम प्रोसीजर, अगर जो है हमारा जो है कूलिंग मेंटेन नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर जो है टॉगर स्विच, एक बार फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कंट्रोल स्विच को टॉगर स्विच बोलते हैं। यहाँ पर टू देखिए, यहाँ पर देखिए इंटरलॉकिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। इधर से अगर कंट्रोलिंग हो रहा है तो इधर से भी इंटरलॉकिंग यानी कि इसका जो है कॉन्टेक्टर क्वाइल टू का यहाँ पर जो है एनो लगा हुआ है, तो ये हर चीज अगर सही रहेगा यहाँ पर जो है पूरा जो है कंप्रेसर वन स्टार्ट रहेगा, तो मेंटेन अगर इधर से कमांड देता है तो हमारा कंप्रेसर टू भी स्टार्ट होगा, ठीक है। कंप्रेसर टू अगर स्टार्ट होता है तो कंप्रेसर टू स्टार्ट के बाद से हमारा जो है यहाँ पर रिले थ्री, ये रिले जो है हमारा थ्री नंबर यानी कि वाई टू जब स्टार्ट होगा वाई टू, तो यहाँ पर वाई टू का रिले स्टार्ट होगा, तो ये रिले जो है हमारा एनओ है तो एनसी बन जाएगा। फिर यहाँ पर गैस का अपना जो है गेज देखने के बाद से कि कितना गेज है वो अपना एलपीसी जो है अपना चेक कर लेता है कि कितना का है, उसका प्रेशर कितना है, ठीक है। ज्यादातर आपको अगर 25 PSI जिसे अगर कम में रहता है तब जाके ये एनओ होगा, ठीक है, नहीं तो अपना मेंटेन देख के ये आगे सप्लाई बढ़ाएगा किसको, हाई प्रेशर को, हाई एचपी स्विच को। एचपी स्विच के बाद से हमारा ये टाइम डिले के पास, यहाँ पर भी टाइम डिले जितना भी टाइम फिक्स रखेंगे तो उस टाइम के अनुसार, ठीक है, उसी टाइम के अनुसार यानी कि हमारा कॉन्टेक्टर कॉइल को सप्लाई मिलेगा और यहाँ पर कंप्रेसर टू स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये भी कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से कंडेंसर फैन मोटर के पास चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है दोनों जो है कॉन्टेक्टर, यहाँ पर कंप्रेसर का जो है कॉन्टेक्टर है इसका एनो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा, ठीक है ना, सिंगल वाला, तो भी हमारा कंडेंसर फैन मोटर चलेगा क्योंकि ये एनसी हो जाएगा, ठीक है, कंडेंसर फैन मोटर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अगर सेकेंड नंबर यानी कि दूसरा हमारा चल रहा है तो उसके बाद से ये भी हमारा जो है यहाँ पर जो है एनओ है तो एनसी हो जाएगा, अब तो भी हमारा कंडेंसर फैन मोटर चलेगा। यानी कि दोनों कंप्रेसर अगर चलते हैं तो भी चलेगा कंडेंसर फैन मोटर, अगर एक कंप्रेसर चलता है तो भी हमारा चलेगा। इसीलिए यहाँ पर दोनों का एनो लगा के सप्लाई दिया गया है। यहाँ पर अगर टू का चलेगा तो टू वाला स्टार्ट होगा, थ्री का चलेगा तो थ्री वाला स्टार्ट होगा। कई लोग होते हैं कि यहाँ पर फोर कॉन्टेक्टर लगाए हुए हैं, अगर 5, 6 भी कॉन्टेक्टर लगा के अलग अलग सप्लाई दिया जा सकता है।
जो भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को नए देख रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।